Yeah.
सब भर दो दर्शन दे कर प्रभु जी मेरा मन अब भर दो है रूप अनंत तेरा है रूप अनंत तेरा मेरा उद्धार करो है रूप अनंत तेरा मेरा उद्धार करो सीतों की शेष गुफा इस लोक का द्वारा कलम से कैसे लिखूं गुरुवर अपने दिल के जज्बात को जब रोम रोम करता है गुरुवर बस तेरी ही बात को बस सांचे दरबार की पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले वो है नसीबो वाला वो है नसीबो वाला ये सतगुरु जिसे मिले सतगुरु का संग मिले पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले सफल बने सतगुरु करे जो कृपा तो जीवन सफल बने वो है नसीबो वाला वो है नसीबो वाला ये सतगुरु जिसे मिले पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले
फिर चले सतगुरु करे जो कृपा तो माया न फिर चले Thank you.
किस्मत वालों को भगवान की मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया तेरे घर पे
कर्म कर्म क्या है? हमारे शरीर के द्वारा या हमारे मन के द्वारा किया जाने वाला कोई भी क्रिया हम उसे कर्म कहते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, एक शरीर से, फिर मन से और वचन से। शरीर के कर्म यानी कि हम शरीर का उपयोग करके जो भी कर्म करते हैं, जैसे कि चलना, फिरना, उठना, बैठना, कपड़े धोना, बर्तन धोना इत्यादि, ये शरीर के कर्म हैं। मन के कर्म हम किसी के बारे में भी जो सोच रखते हैं, ये हमारे मन के कर्म हैं। अच्छा सोचे तो अच्छे कर्म, बुरा सोचे तो बुरे कर्म। हम जब भी कोई फैसला लेते हैं तब हम ये कहते हैं सोच समझ कर करना, यानी कि हमारे मन के कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मन के कर्म अच्छे होंगे तभी हमारे वचन के कर्म अच्छे होंगे। वचन कर्म यानी कि हम अपने मुख से किसी के लिए भी क्या निकाल रहे हैं, ये हमारे वचन कर्म है। अगर हम किसी को अच्छा बोल रहे हैं तो वो हमारे अच्छे कर्मों में आता है, और यदि हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी पर व्यंग कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये बुरे कर्मों में आता है। अब इन कर्मों से क्या करना है हमें? यही कर्म आगे चलकर हम हमारा संस्कार के रूप में लिया जाता है, वो संस्कार जिसका भुगतान हमारे शिव प्रभु जी करा दिया करते हैं। कहते हैं हमारे जीवन के संस्कार जो भी हैं, जो कि पहाड़ रूप है, उसे शिव प्रभु जी राई के दाने के बराबर बनाकर उसका भुगतान करा दिया करते हैं। अब ये कर्म को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक अच्छे कर्म जिसे हम सही कर्म या शुभ कर्म भी कहते हैं, और बुरे कर्म जिसे हम नकारात्मक कर्म भी कहते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात इस पृथ्वी ये क्या है, ये एक परिवार है। एक परिवार के लोग, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो इसमें हमारे कर्म सबके अलग अलग कैसे हुए? हम तो एक परिवार हैं। एक परिवार में जितने लोग होते हैं उतने लोगों की बुद्धि अलग अलग होती है, उतने लोगों की सोच अलग अलग होती है। उस सोच से ही हम अपना कर्म निर्धारित करते हैं, और वही कर्म आगे चलकर एक संस्कार का रूप लेती है। तो ये संस्कार हम निश्चय करते हैं कि हमें कौन सा कर्म कैसे करना है। हमें कर्म करना है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन से, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अर्थात श्री प्रभु जी ये सोचेंगे, ये ध्यान देंगे कि किसके कर्म कैसे होंगे। हमें बस सामने वाले के लिए भाव अच्छे रखकर अच्छे कर्म करना है। एक प्रभु जी की घटना बताते हैं। प्रभु जी के दौर पर एक लड़का आया था जिसका नाम था मंगामल। मंगामल को एक स्त्री से प्रेम हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। उसने देखा एक बाबा जी है बड़े जगह, जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो भी बैठ गया उनसे ये बात कहने के लिए, कुछ मंत्र लेने के लिए। वो 3 घंटे बैठा, लेकिन श्री प्रभु जी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो गुस्से पर उठकर जाने लगा। तब श्री प्रभु जी कहते हैं, अरे मंगामल इधर आ। वो गुस्से में कहता है, ये मंगामल क्या होता है, कोई बाबू जी नहीं, श्रीमान नहीं। फिर वो शिव प्रभु जी के पास आकर कहता है कि प्रभु बाबा जी, मुझे एक स्त्री से प्रेम हो गया है और मुझे उससे विवाह करना है, तो आप मुझे कुछ मंत्र दे दीजिए कि हमारा विवाह सब अच्छे से हो जाए। शिव प्रभु जी ने उसे कागज पर कुछ लिख कर दिया और ये कहा, जब मैं बोलूंगा तभी तुम इसे खोलना, उससे पहले मत खोलना, उसका विवाह सब अच्छे से हो गया। लगभग 1 हफ्ते के बाद उसकी पत्नी गहने वहने लेकर घर से लापता हो गई। घर पर उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि 300 रुपए लेकर तुम इस जगह पर आ जाओ। वो घबरा गया और वो रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ भागा। दौड़कर वो उस जगह पर जाने लगा। अचानक श्री प्रभु जी वहां आ गए और श्री प्रभु जी ने उससे पूछा, क्या हुआ मंगामल? उसने श्री प्रभु जी को सारी बातें बताई और श्री प्रभु जी ने कहा, मंगामल, वो जो मैंने तुम्हें कागज में कुछ लिख कर दिया था, उसे खोल कर पढ़ने का समय आ गया है। तुम पहले घर जाओ
उस चिट्ठी को निकालो और उसे पढ़ो, फिर ही तुम उसके पास आना। जब वो घर गया, उसने उस चिट्ठी को खोला, तब वो ये देखता है कि जितनी घटनाएं उसके साथ आज तक हुई, वो सारी घटनाएं उस कागज में नियम नियम से लिखी हुई थी कि वो उसकी शादी होगी और उसके बाद उसकी पत्नी ऐसे ही लापता होगी और इतने ही रुपए और उसी जगह पर उसे बुलाया जाएगा। वह शिवप्रभ जी के पास वापस आया और शिवप्रभ जी से कहने लगा, शिवप्रभ जी अब क्या करना है? प्रभ जी कहते हैं, अब तो चल मेरे से। वह शिवप्रभ जी के साथ चला तो गया, लेकिन मन ही मन में ये सोच रहा था, अगर मैं जाता तो होता क्या। उसने शिवप्रभ जी से बाती बातों में पूछ लिया, प्रभु जी एक बात बताओ, अगर मैं वहां जाता तो वो मुझे मारती, लेकिन वो खुद मारती या किसी और से मारती? शिवप्रभ जी हंसकर कहने लगे, अब तू यहाँ आ गया है तो अब यही रह, अब तुझे कोई नहीं मारेगा। एक दिन की बात है, शिवप्रभ जी ने उसे ध्यान पर बैठा दिया और वो ध्यान में ये देखता है कि उस दिन अगर वहां शिवप्रभ जी नहीं आते और वो उस स्त्री के पास जहाँ पर उसने जो पता दिया था, वो पता में अगर वो जाता तो वहां पर कुछ डाकू थे उस स्त्री के साथ और वो सब मिलकर इसे मार देते। और उसने ध्यान पर देखा भी कि किस तरीके से उसके साथ ये हुआ है। अर्थात ये घटना हमें ये बताती है कि शिवप्रभ जी हमारे कर्म से ही हमारे संस्कार का भुगतान किस प्रकार करा दिया करते हैं। हमारे कर्म ही ये निश्चित करते हैं कि शिव प्रभु जी किस रूप में हमारे उस कर्म का भुगतान करा देते हैं। श्री गुरुदेव ने भी कई घटनाएं ऐसी बताई हैं कि जिसमें शिव प्रभु जी सपने में ही आकर उस कर्म का भुगतान करा देते हैं। इसलिए कर्म हमें कर्म प्रधान है, हम जैसा भी कर्म करेंगे वही कर्म हमारा ये निश्चित करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। और यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तभी हम इस योग मार्ग पर सकुशल रूप से आगे बढ़ पाएंगे और यही कर्म निश्चित करते हैं कि हम प्रभु जी के शिष्यों में किस श्रृंखला में आगे बढ़कर आएंगे। और यही कर्म हमारे इस दरबार में आकर सही होंगे। कहते हैं और हमने देखा भी है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस दरबार में आने से पहले गुटके आदि इस तरीके का सेवन किया करते हैं। श्री माता जी, श्री गुरु जी, श्री प्रभु जी उन सबको फटकार लगाकर उनको सही मार्ग पर लाए। तो इस दरबार से जुड़ने का अर्थ ये है कि हमारे कर्म, हमारा कर्म अच्छा हो। और हमारा कर्म कैसे अच्छा होगा? हमारा कर्म योग से अच्छा होगा। योग जो अपनाएंगे उनका कर्म अच्छा होगा। और कर्म अच्छा होगा तभी हम जीवन में, इस दुनिया में, इस संसार में सर उठाकर जी सकेंगे। तो आइए मेरे साथ बोलिए, जब से पाया है गुरुवर आपका ये दर, जब से पाया है गुरुवर आपका ये दर, तब से जग में रहा हूँ।
आप का
गुरुदेव भगवान की जय हो। मैंने पूछा गुरुवर से, क्या होती है साधना? मुस्कुराकर गुरुवर बोले, बिन शब्दों की प्रार्थना। मन को लगे जो यातना, प्रसन्न होती जिससे आत्मा, विकारों का करती खात्मा, बस यही तो है साधना। साधना एक मिरर की तरह होती है, जैसे हम मिरर में देखते हैं हमारे में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो आईना हमसे अवगत कराती है। वैसे ही साधना हम जब ध्यान लगाकर एकाग्र मन से आंख बंद करके बैठते हैं तो हमारे अंदर भी जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, वो साधना हमसे अवगत कराती है। साधक और साधना का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। वही मन और साधना की शत्रुता भी उतनी ही गहरी है, उतनी ही पुरानी है। तभी तो जो साधना आत्मा को प्रसन्न करती है, वही साधना मन को यातना लगती है, वही साधना मन को मुश्किल लगती है। आप सभी ने अनुभव किया होगा, जब आप थोड़ी देर भी ध्यान में बैठते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही जब दोबारा ध्यान में बैठने की बात आती है तो आपका मन उसे टालता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। हमारे गुरु दरबार में बच्चों से लेके बड़े तक को दीक्षा दी जाती है। अगर बच्चों से पूछा जाए कि वो साधना क्यों नहीं करते, सबका एक मिला जुला सा जवाब रहेगा कि उन्हें साधना के लिए समय नहीं मिल पाता। अभी वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देंगे तो कभी देंगे, अभी अपना करियर नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे। आइए, जो बहाने हमारा मन बनाता है साधना नहीं करने के लिए, आज हम एक इस एक एक बहाने को समझते हैं और फिर आप ये स्वयं डिसाइड करिएगा कि ये बहाने कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक निराधार है। एक बार दो सहेलियां जब कुछ दिन आश्रम में रहकर वापस घर आती है और कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो पहली वाली सहेली धीरे धीरे करके साधना कम कर देती है। जैसे वो आश्रम में साधना करती थी, सत्संग करती थी, वही जब कॉलेज में एडमिशन लेती है तो धीरे धीरे साधना कम कर देती है। वही दूसरी वाली सहेली वैसे ही नियमित रूप से साधना करती है, भजन सत्संग में जाया करती है। जब एग्जाम का समय आता है तो पहली वाली सहेली साधना बिल्कुल छोड़ देती है, ये कहकर कि अभी तो उसे बहुत पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम बहुत नजदीक है, अगर मैं पढ़ाई को समय नहीं दूंगी तो मुझे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। वही दूसरी सहेली वैसे ही नियमित रूप से साधना करती है, भजन सत्संग में जाया करती है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पहली वाली सहेली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे 82% मार्क्स आए थे। उसके मन में जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि उसकी सहेली को कितने नंबर आए थे, क्योंकि वो सोचती है मार्क्स पता चलते हैं तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी दूसरी वाली सहेली को 92% मार्क्स आए थे। तुम तो दिन भर साधना में ही, तुम्हें इतने अच्छे नंबर कहां से आए? उसकी सहेली उत्तर देती है कि जब मैं कुछ भी पढ़कर लिखकर साधना में बैठती थी तो मेरी बुद्धि और भी तेज हो जाया करती थी, फिर मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है, वो मेरे दिमाग में जल्दी जल्दी स्टोर होने लगता था। जिस साधना को तुम बाधा समझती थी, असल में वो साधना मेरी बुद्धि में धार लगाने का काम करती थी। इसके बाद मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप ऐसी साधना नहीं करना चाहेंगे? मैं तो कहूंगी आप ऐसी साधना जरूर करें, क्योंकि ऐसी साधना करने से ना ही आप एक श्रेष्ठ गुरु भक्त कहलाएंगे,
बल्कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कहलाएंगे। अब बात करते हैं बड़ों की, जो ये कहकर साधना नहीं करते कि उनके ऊपर घर परिवार ऑफिस की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है कि उन्हें साधना के लिए समय नहीं मिल पाता। आइए इसे हम बोलचाल में कई बार ऐसी भाषा बोलते हैं जिसका अर्थ हम स्वयं भूल जाते हैं। जैसे कोई अगर ध्यान से काम नहीं करता, हम उसे कहते हैं सारा काम खराब कर दिया, तुम्हारा ध्यान किधर था। वहीं कोई अगर ध्यान से काम करता है तो हम उसे कहते हैं ध्यान से ठीक से करो, संडे देना अपनी जिंदगी के कहां की बुद्धिमानी है। आप उसमें कुछ समय निकालिए जहां आप प्रभु को धन्यवाद दे सके कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया है जिसे आप सफल बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो सिर्फ धन कमाने में लगा रहता है पूरा दिन। वो सोचता है धन कमा लिया तो सब कुछ हो गया लाइफ में। आप सोचिए आप इतना धन कमा भी लेंगे तो यहाँ संसारिक जीवन की मुद्रा परमात्मा के देश में कैसे चलेगी। हम मनुष्य के जीवन में जीने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं? एक संत कुटिया में निवास करते सुनाया करते थे, तब उस समय में धन का बचाव कर लेना जरूरी है। वो संत जी जो अपने कक्ष में जा रहे थे, उन्होंने वो सूक्ति को पढ़ा तो मुस्कुरा पड़े और उन्होंने उसके तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। संत जब मांगते हैं ईश्वर से तो वो कैसे मांगते हैं? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब सबाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब सबाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। वही जब मनुष्य मांगता है ईश्वर से, मनुष्य में इतनी लालच बढ़ गई है कि जब भगवान से मांगता है तो कैसे मांगता है? साई इतना दीजिए जामे दुनिया समाए, साई इतना दीजिए जामे दुनिया समाए, मैं केवल नोट गिनूं और घर भरता ही जाए। वही हम इतिहास में दृष्टिकोण डाले तो किसी ने धन को महत्व नहीं दी। जैसे मीराबाई जी मेवाड़ की सम्रांगी होकर वो गलियों में फिरती थी और क्या गाती थी, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। कबीरदास जी क्या कहते थे, मन लागो मेरो यार फकीरे में, जो सुख आया राम भजन में वो सुख कहां अमीरे में। अब हमारा मन क्या करता है, हमारा मन बहाने बनाता है। हम आज कर लेंगे, कल कर लेंगे साधना, कल नहीं परसों कर लेंगे। ये कल करते करते कब बरसों महीने बीत जाते हैं, जन्मों बीत जाते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। इसके लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा अपने लाइफ में, नियमित रूप से बैठना पड़ेगा। जैसे हम नियमित रूप से भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, आप सोचिए अगर आप नियमित रूप से भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर दुर्बल पड़ जाएगा। अगर आप नियमित रूप से स्नान नहीं करेंगे तो आपके शरीर में दुर्गंध आने लगेगी। वैसे ही आप अगर नियमित रूप से साधना नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा दुर्बल पड़ जाएगी, आपके मन में विचारों की सड़ान पैदा हो जाएगी। बट हम कल पे डाल देते हैं तो इसके लिए कल मोहलत ही ना मिली तो क्या करोगे, अगर फुर्सत ही ना मिली तो क्या करोगे, रोज कहते हो कि साधना कल करूंगा, कल आंख ही ना खुली तो क्या करोगे। महापुरुष कहते हैं कि आप 100 काम छोड़ के भोजन करिए, आप 1000 काम छोड़ के स्नान करिए, आप 1,00,000 काम छोड़ के दान पुण्य करिए और आप 1,00,00,000 काम छोड़कर साधना करिए। अब बात करते हैं बुजुर्गों की, जो ये कहकर साधना नहीं करते कि अगर वो चाहे तो भी उनका शरीर साथ नहीं देता साधना करने के लिए। शरीर में बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो चाह कर भी नहीं बैठ पाते। आइए मन के इस बहाने को समझते हैं। साइंस कहती है कि जब साधक
होकर साधना में बैठता है, जब उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, तब उसके शरीर में मांसपेशियों की ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है, जिसके कारण शरीर में लो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। लो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होने के कारण हमारे फेफड़े धीमी गति से चलते हैं, और जब हमारे फेफड़े धीमी गति से चलते हैं तब हमारा हृदय भी धीमी गति से चलता है, जिसके कारण हमारी श्वास और भी गहरी और लंबी होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपके लिए तो साधना बहुत जरूरी है। एक परफेक्ट हेल्थ पाने के लिए आप खुराक आधी करें, पानी 2 गुना करें, व्यायाम 3 गुना करें, हंसना 4 गुना करें, लेकिन साधना 100 गुना करें। इससे आपकी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक ये तीनों ही अवस्था स्वस्थ रहेगी। अब बात करते हैं मन की ऐसे बहाने की जो मन हम सबसे करता है कि हमारा मन नहीं लगता साधना में। हम साधना में बैठते हैं, हमें नींद आने लग जाती है, हमारा मन ही नहीं करता। तो मन और पैराशूट में एक समानता होती है कि दोनों खुलने पर ही काम करते हैं। तो क्यों ना इस मन को साधना की रस्सी से बांध दिया जाए, क्योंकि मन तो सरसों के दानों के बिखरों के जैसे होता है, जिसको वैक्यूम से ही समेटा जा सकता है। अब बात करते हैं मन के लास्ट बहाने की, जो हमें मन करता है, हमारा मन हमसे बोलता है कि हमें दीक्षा के टाइम पे जो अनुभूतियां हुई थी वो अब हमें नहीं होती, इसलिए हमारा साधना में मन नहीं लगता। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि साधना का मेन लक्ष्य अनुभूतियां पाना नहीं है, साधना का मेन लक्ष्य है अपने आत्मिक मन में जाकर अनुभूतियों को प्राप्त करना। इसलिए गुरुदेव आपको जैसी भी जो भी अनुभूतियां करा रहे हैं वो आपको वापस जरूर कराएंगे। इसके लिए साधना करिए, मन के बहाने मन बनाइए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए प्रभु का नाम एक भजन गाते हैं। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, प्रभु नाम I'm
प्रवचनों में एक बात कहा करते थे कि वीतराग महापुरुषों के मन बुद्धि चित्त अहंकार में अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को यदि साधक लय कर ले तो वह भी उन्हीं शक्तियों का मालिक हो जाता है जिनके मालिक में महापुरुष हैं। वास्तव में समाधि प्राप्ति का यह तरीका है भी अत्यंत सरल। इसीलिए श्री गुरुदेव जी महाराज प्रायः अपने सत्संगों में भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण और परम पूज्य अनंत योगेश्वर श्री प्रभु रामलाल जी महाराज की लीला चरित्रों को कथा एवं भजनों के रूप में प्रस्तुत कराया करते थे ताकि सभी भक्तजनों का आकर्षण श्री प्रभु जी के चरणों में और प्रगाढ़ हो जाए, उनके श्री चरणों का, उनके चरित्रों का चिंतन हमारे तुम्हारे मनों में और अधिक हो जाए, जिससे हम सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज स्थापित उसी परिपाटी में आज भी उसी प्रकार श्री गुरुदेव जी और श्री प्रभु जी की कथाएं, लीला चरित्र भजनों के और कथाओं के माध्यम से कहे जाते हैं। मनोराज पर शासन करने वाले योगी राज अमोघ शक्ति के मालिक हुआ करते हैं, जिनका प्रकृति पर पूर्ण वशीकरण होता है। योग दर्शन में विभूति पाद में जिन जिन विभूतियों का वर्णन किया गया है, समय समय पर योगियों के चरित्र में अनुकूल समय आने पर वह विभूतियां साक्षात रूप से देखी जा सकती हैं। आज के कथा प्रसंग का यही विषय है, किस प्रकार श्री महाराज जी अपने एक प्यारे बच्चे पर अकारण ही कृपा करते हैं, किस प्रकार उन पर विपत्ति आती है, किस प्रकार उसका निवारण होता है। श्री महाराज जी के प्यारे बच्चे खैर निवासी रघुवीर शरण भारद्वाज, उन पर किस प्रकार घोर विपत्ति आई
और किस रूप में श्री गुरुदेव जी महाराज ने उसका निवारण किया, देखिए। कोई माने या न माने, यह बात शत प्रतिशत सत्य है कि श्री गुरुदेव जी अपने प्रत्येक बच्चे पर हर क्षण की नजर बनाए हुए हैं, और जहां जब जिसको जैसी सहायता की आवश्यकता होती है वहां उसको वैसी सहायता मिल भी जाया करती है। यदि सहायता मिल जाती है तो यह प्रमाणित है कि उनकी नजर आप पर है। अस्तु, आज का कथा प्रसंग सन 1989 श्री गुरुदेव जी महाराज स्थूल रूप से समाई में विराजमान हैं इस वक्त 1989 का समय है, अक्टूबर का महीना है। रघुवीर शरण भारद्वाज उस समय पशु चिकित्सक के रूप में धुमरी जिला एटा में कार्यरत है। उसी समय एक घटना घटित होती है, सुनिए क्या। एक कथा सुहानी आज कहे अपने गुरुदेव रमानी। मेरे साथ आप सभी लोगों को गाना है। एक कथा सुहानी आज कहे अपने गुरुदेव रमानी। एक कथा सुहानी आज काल निवारण
वहाँ पे परम खुशी। बोली श्री सतगुरु भगवान की जय। पशु चिकित्सक आप थे जब घुमरी स्थान घटना इनके संग घटी। गौर करो श्रीमान गुरु सेवक रघुवीर ने मन में किया विचार। कार्तिक पूर्णिमा पर करे गंगा स्नान इस बार। महाप्रभु राम लाल की है। रघुवीर शरण भारद्वाज जी ने सोचा कार्तिक स्नान का बड़ा ही महत्व है, इस बार कार्तिक स्नान पर क्यों ना गंगा स्नान किया जाए। यही बात सोचकर मोटर साइकिल उठा ली उस पर निज बेटा बिठा लिया। उस पर निज बेटा बिठा लिया और तीसरा व्यक्ति भी अपना कंपाउंडर चढ़ा दिया। अपना कंपाउंडर चढ़ा दिया। अपना कंपाउंडर चढ़ा दिया। गंगा घाट पर पहुंच गए जहां तीनों ने स्नान किया। जहां तीनों ने स्नान किया। जो विधिवत पूजन होना था वह भी सब पूजन विहार किया। वह भी सब पूजन विहार किया। पूजन विहार किया। वापस तीनों चल दिए कर गंगा स्नान। गज डुडवारा मार्ग में बड़ा एक स्थान। महाप्रभु राम लाल की है। योगी राजेंद्र कौन की है। हिमैया आदि शक्ति की है। गंगा स्नान करने के बाद वहां से वापस जो ही आ रहे थे तो रेलवे क्रॉसिंग के थोड़ी ही दूर बाद एक गंज डुडवारा नाम का कस्बा था। वह कस्बा मुस्लिम बहुल था, मुस्लिम बहुल बस्ती थी। वहां जो ही निकलने लगे तो मुसलमानों के बच्चे कुछ खेल रहे थे। अचानक ही एक छोटा सा बच्चा उनके मोटरसाइकिल के सामने गिरा और मोटरसाइकिल उसके ऊपर से पार। कसाई वाड़ा मोहल्ला भारद्वाज जी मन ही मन घबरा गए। इतना छोटा सा बालक इतनी भारी मोटरसाइकिल उस पर तीन लोग सवार छोटे से बच्चे के ऊपर से निकल गई। अंदर ही अंदर श्री गुरुदेव जी के चरणों में टेर लगानी शुरू कर दी और वहां से अंदर ही अंदर कृपा भी शुरू हो गई। सुनिए विपदा में भक्त फिर आया जी। विपदा में भक्त फिर आया जी। विपदा में बोलिए विपदा में आया जी। I'm
शीश था
आफत का तूफान, शीश था आफत का तूफान, विपद की घड़ी भया सकता है। और बात भी सत्य है कि इतनी भारी मोटरसाइकिल
उस पर 3 सवारी बैठी है, बच्चे के ऊपर से निकल गई, तुम कह रहे हो चोट नहीं आई है, कैसे मुमकिन है? सब बोले ये नामुमकिन है, ये ऐसे ही कह रहा है। उसी डॉक्टर की ही बात पर सवाल उठा दिया तो जोश कुरैशी के मन आया, जोश कुरैशी के मन आया, उसने लोगों से फरमाया, उसने लोगों से फरमाया, गिर कर ये बच्चा घबराया, गिर कर ये बच्चा घबराया, घबराहट में होश गवाया, घबराहट में होश गवाया, जरा भी नहीं इसे कोई हानि है, कोई चोट निशानी है, नहीं कोई चोट निशानी है, शीश था आहत का वो कायम से पड़ती गई बयानी है, से पड़ती गई बयानी है, कितना झूठा सच्चा, कौन कितना झूठा सच्चा, लेकिन बिल्कुल ठीक है बच्चा, वचन कुरैशी का नहीं बच्चा, वचन कुरैशी का नहीं बच्चा, श्री माँ जब किया मयूं फरमान हुई सबको हैरानी है, कोई सबको हैरानी है, शिक्षा आहत का तूफान ये बदली गई बया, डॉक्टर ने जब कहा कि बच्चे को कहीं कोई चोट है ही नहीं, पूरे दावे के साथ कह दिया, सभी लोग बड़े हैरान हुए, इतने बोझ के नीचे बच्चा दब गया, खुदा रहमान है इस बालक पे, आज तो करम है खुदा का कि ये बच्चा बच ही गया। सभी लोग अभी बातें ही कर रहे थे तभी रघुवीर शरण ने तभी वहां कुछ दूध दुकान से मंगवाया, कुछ दूध दुकान से मंगवाया, कुछ सब लोगों के सम्मुख ही उस बालक को था सुनवाया, उस बालक को था सुनवाया, चेहरे पर रौनक आई थी, बच्चा था मुसलमान का, इतनी गरीबी में तमाम से दूध देखने को मिल रहा था, बच्चे ने दूध दिया एकदम खुश हो गया, बोला हमको कहीं दर्द नहीं, सब लोगों को बतलाई, सब लोगों को बतलाई, सब लोगों को बतलाई, बच्चा अब दूध पी लिया, खुद कह रहा है हमें कहीं कोई चोट है ही नहीं, कोई दर्द है ही नहीं, लेकिन इतने पर भी भीड़ में वहां के कुछ शैतान थाने इनको ले चलो, बोले बेटे मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मुसलमानों में ही, लेकिन हर एक समुदाय में इस तरह के कुछ शैतानी दिमाग लोग होते ही हैं, जो ये नहीं चाहते कि मुद्दा किसी तरह शांत हो जाए, उन्हें चाहिए कि विवाद बस किसी ना किसी तरह चलता रहे चलता रहे। जब उन लोगों ने देखा भीड़ में, यहां भी भीड़ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग थे, जब उन्होंने देखा अरे ये तो यूं ही जाने लगे, छूट गए, तो एकदम शोर मचा दिया, थाने ले चलो इन्हें, वहीं इनका नशा उतारेंगे, जब जब इनके पड़ेंगे डंडे अपने आप होश आ जाए। एक बार तो डॉक्टर साहब को लगा शुगर, इन लोगों से तो जान छूटी, थाने ले जाएंगे कम से कम इनसे तो सुरक्षित रहेंगे,
लेकिन वही दूसरी तरफ मन में आया, थाना भी तो इन्हीं लोगों का है, वहां भी इन्हीं में से कुछ लोग बैठे हैं, ये वहां भी आकर कोई ना कोई नया विवाद खड़ा करेंगे। फिर क्या, न इधर सुरक्षित न उधर सुरक्षित, सुरक्षा कहां मिलनी थी। मन ही मन अकारण कृपालु श्री गुरुदेव जी महाराज के चरणारविंदों में तैर शुरू कर दी और वे दीन दयाल अपने बच्चों के संकट में कैसे संभाल कर रहे हैं, सुनिए। सच्चे मन से जो उनको पुकारे, रक्षा सतगुरु की आ गई है। सच्चे मन से जो उनको पुकारे, अपने भक्तों की हर एक विपद को
यद्यपि अभी तक स्थूल रूप में श्री गुरुदेव जी की कृपा यहाँ नजर नहीं आई, लेकिन ये बात सोचने की है कि इतनी भारी मोटरसाइकिल जिस पर 3 सवारियां बैठी हैं, एक छोटे से बालक के ऊपर से गुजर गई और उसे कहीं चोट नहीं है, ये उनकी कृपा का ही कमाल है। है जब लोग डॉक्टर कुरैशी के बताने पर भी झगड़ा शांत करने की बजाय और बढ़ाने को उत्सुक हो रहे थे, इन्हें किसी न किसी और नई परेशानी में डालने को उतारू थे, डॉक्टर साहब अंदर ही अंदर धीरज हार रहे थे, अत्यंत भयभीत हो गए थे कि अब न जाने ये मुसलमान कसाई लोग मेरे हमारे साथ क्या ही करें। अपने बच्चे को इस तरह हारते हुए दीन बंधु कैसे देख सकते हैं, तुरंत ही वहां प्रकट हो जाते हैं। कैसे डॉक्टर साहब की तरफ उनकी पीठ है, मुसलमानों की तरफ उनका चेहरा है। एक मुसलमान फकीर के वेश में आज ही गुरुदेव जी वहां स्वयं प्रकट हो जाते हैं अपने बच्चे की रक्षा करने। आज श्री गुरुदेव जी महाराज की क्या वेशभूषा है, हम अभी तक किस रूप में देखा है हम सभी ने, सभी जानते हैं, सफेद धोती कुर्ता, हाथ में छड़ी, चरणों में कपड़े के जूते और कांधे पर चादर। लेकिन आज तो छटा ही कुछ निराली है, सुनिए क्या। इजी वहां प्रगटे तत्काल, एजी वहां आ प्रगटे तत्काल, वेश तन धार मलाल दिलों
कर दो मोर मलाल देख तन से बात क्या इस नगरी
थे वे कौन फकीर वहाँ, बोलो थे वे कौन फकीर वहाँ। महाप्रभु महाप्रभु उधर से कुछ आवाज आई।
कराई है, अभी महिलाओं में सुस्ती बाकी है। महाप्रभु बस यही ध्यान रखना है कि जब भी जयकारा लगे इसी तरह बोलना है। सारे मुसलमान लोग मस्जिदों में छानबीन कर ले रहे हैं और जिस भी मौलवी से मिले सबका एक ही कहना, नहीं दिन में नहीं रात में आया पीर फकीर, जैसा कह रहे आप सब यह है अजब नसीर। महाप्रभु राम लाल की जय, यही का चंद्र मोहन की जय, सिमैया आदि सत्य की जय। है हैरत की बात सब जो कह रहे तुम लोग, समझ से बाहर बात है कैसा बना सही होग। महाप्रभु राम लाल की जय, यही राजतंत्र मोहन की जय, सिमैया आदि सत्य की जय। हर एक मौलवी हर एक इंसान ये बात सुनकर हैरान था कि आखिर वो बच्चा बच कैसे गया। खुदा स्वयं खुद उस बालक पर मेहरबान था आज, वरना इतना छोटा बालक बचना ही मुश्किल था, उसकी हड्डी तो टूट ही जाती। हर मौलवी का कहना था कि आज तो बस खुदा ही उस बालक पर उस बेबस पर कर्म करने के लिए वहां आ गया। ठीक है, बातें तसल्ली के लिए सारे मौलवियों ने कह दी, मुसलमान अपने अपने घर आ गया। थोड़े दिन बाद डॉक्टर साहब ने सोचा कि कई बार ऐसा होता है कि गंभीर चोट होती है लेकिन तुरंत नहीं समझ में आती है, उसके लक्षण तुरंत नहीं होते हैं, कुछ दिन के बाद दिखाई देते हैं। तो ऐसा सोचकर डॉक्टर साहब ने एक अपना दूसरा कंपाउंडर, उस दिन वाला नहीं, उस दिन वाला तो सब पहचान जाएंगे, एक दूसरा कंपाउंडर कुछ फल मिठाइयां लेकर के कुछ निर्देशों के साथ वहां भेजा। क्या कहा? यदि सकुशल बच्चे को पाओ ये भेंट उसे तुम दे आना, ये भेंट उसे तुम दे आना, और हो गई हो कुछ ऊंच नीच तो दबे पाओ तुम आ जाना, तो दबे पाओ तुम आ जाना, तो दबे पाओ तुम आ जाना। देखो अगर ठीक ठाक लगे तो बालक ठीक ठाक है तो ये फूल वगैरह उसे दे आना और पता तो चल ही जाएगा, माता छाया होगा। अगर ऐसा कुछ लगे ना तो मुंह छिल के और तुरंत वापस आ जाना बिना कुछ बोले चुपचाप। कंपाउंडर वहां गया, देखा दर्जनों बच्चे खेल रहे हैं। एक से पूछा, भैया उस दिन वो यहाँ कुछ हो गया था, उस बच्चे को कहीं चोट लग गई थी, कौन सा बच्चा है वो? एक ने बताया वो खेल तो रहा है, वही है। कंपाउंडर ने देखा बालक वो खेल रहा था मस्ती में, वो खेल रहा था मस्ती में, वो खेल रहा था मस्ती में, पर अब भी प्रश्न मौलवी का जो की जो खड़ा था मस्ती में, जो की जो खड़ा था मस्ती में, जो की जो खड़ा था मस्ती में। कंपाउंडर एक दुकान पर बैठ गए चाय पीने के बहाने। चाय वाले ने पूछा, भैया एक बात तो बताओ, इस बच्चे को जब से इसके चोट लगी है किसी ने इसकी खैर कुशल नहीं पूछी? तुम कहां से हो? इस बच्चे के तो नहीं लग रहे हो, तुम कहां से आए हो जो इतना सामान लेके आए हो इसके लिए, क्यों लेके आए हो भाई? जब उन्होंने देख लिया कि सब ठीक ठाक है तो बताने में क्या दिक्कत है, उन्होंने बता दिया कि मैं उन्हीं डॉक्टर साहब का कंपाउंडर हूं। अब उन्हीं डॉक्टर साहब का कंपाउंडर है ये बात जानकर कुछ मुसलमानों के अंदर उत्सुकता हुई कि वो मौलवी हमारे तो यकीनन नहीं थे, हो सकता है इन्हीं का कोई आदमी हो जो उस दिन इन्हें बचा करके ले गया। यही बात सोचकर उन्होंने कहा, डॉक्टर से पूछते चलते
वो मुसलमान कंपाउंडर के साथ हो लिया। वह यवन और कंपाउंडर जब डॉक्टर से मिलने आए थे, डॉक्टर साहब के तो होश उड़ गए। डॉक्टर साहब तो खुद ये सोच रहे थे कि आखिर इस मुसलमान बस्ती में ये फकीर हमारे लिए इतनी आत्मीयता दिखा क्यों रहा है। दरअसल हुआ ये कि जब गुरुदेव जी महाराज आए तो डॉक्टर साहब की तरफ उनकी पीठ थी और मुसलमानों की तरफ चेहरा, तो डॉक्टर साहब देख नहीं पाए कि ये कौन है। उन्हें लगा कि कोई मुसलमान पीर ही है। भगवान का लाख लाख शुक्र मनाया अपने गुरुदेव का कि इन्होंने भेज दिया किसी को। लेकिन जब मुसलमान भी यही बात कह रहा है कि भैया कौन थे वो, तुम्हारा कोई आदमी था क्या? अब तो उस मुसलमान की बात सुनी, अरे सिर डॉक्टर का चकराया था, इनका यदि कोई पीर नहीं तो कौन परेशान आया, तो कौन परेशान आया, तो कौन परेशान आया। बातें होती रही है। बाहर से मुसलमान और डॉक्टर जी दोनों ऑफिस में अंदर आ रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने अपने ऑफिस में श्री गुरुदेव जी और श्री प्रभु जी के स्वरूप दीवार पर लगाए हुए थे। जैसे आप सभी लोग अपने दुकानों में, अपने व्यापार में, अपने सब जगह लगाकर रखते हैं, उसी तरह डॉक्टर साहब ने भी स्वरूप दीवार पर लगा रखे थे। अब जो ही अंदर कदम रखा वो मुसलमान एकदम क्रोध में भर आया। इतने चिल्ला कर डॉक्टर से कहता है, अरे डॉक्टर झूठ बोलता है, कहता है पता नहीं कौन फंसी है, अरे ये क्या वो फंसी तस्वीर। तुम कहते नहीं जानते विराजमान।
उन्होंने सारा वृत्तांत श्री गुरुदेव जी महाराज को बताया। तब श्री गुरुदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, लल्ला ऐसी कृपाएं तो श्री प्रभु जी अपने बच्चों पर करते ही रहते हैं। जो हम यहाँ गुजरात आते हैं ना, माता जी करती है, माता जी करती है, माँ जी करती है, वो डायलॉग वहीं से चला रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा, लल्ला तुम सिर्फ अपने ध्यान को जन पर ध्यान दो, कृपाएं तो यूं ही चलती रहेंगी। आई एक छोटे से भजन से श्री गुरुदेव जी महाराज का हम भी स्मरण करें। ए जी गुरु, ए जी सतगुरु की भजन से होता है द्वारे गांव में पहुंच गए और डॉक्टर साहब को वहां से बचा लिया, उनके पुत्र को बचा लिया और उन सबकी रक्षा हुई। उस समय ये घटनाएं घटा करती थी, कृपाएं हुआ करती थी, आज भी उसी प्रकार कृपाएं उनकी हो रही है। और अब तो इतनी कृपाएं हो रही है कि अगर लिखने बैठे तो शाही खत्म हो जाए, कागज खत्म हो जाए, लेकिन कृपाओं का अंत ही नहीं है। अभी मुझे एक घटना याद आ रही थी, ये कमलेश बैठी हुई है, ये इनके पति है प्रोरंजन, ये लोग आगरा से आए, इन्होंने श्री माँ से दीक्षा ली, माता के लीला स्थान के बाद मेरे पास बराबर ये लोग आते रहे। अचानक इनके घर का एक बच्चा कोई घर से नाराज होकर चला गया, इस घर में रोना हो गया, रोने लग गए सब लोग, रो रो के परेशान, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, कोई के FIR लॉन्च कराओ, कुछ लॉन्च कराओ। उन्होंने मुझको फ़ोन किया, गुरुजी इस तरह वो बच्चा कहीं चला गया है, क्या करें, कहाँ गया है। मेरा चिंता मत करो, प्रभु जी कृपा होगी, प्रभु जी का पाठ करो, शाम तक बच्चे की खबर आ जाएगी।
बोली खबर कहाँ से आएगी, उनने मोबाइल ही से जॉब कर रखा है। मैंने कोई बात नहीं, तुम पाठ तो शुरू करो, बहस मत करो। हम लोग क्या है ना, कई बार भी मैं कई बार कह दूंगा ना पाठ करो, पाठ में विश्वास ही नहीं होता है। एक बात को 10-10 बार मेरे कान में आके बोलते हैं तो मुझे खाली क्या करता हूँ मालूम, मैं झूठी हाँ करता रहता हूँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे एक बार बताया पाठ करो, कृपा पाओ, कृपा प्राप्त करो। हमने इनसे कहा तुम पाठ करो, समय खराब मत करो। इनने पाठ किया, उस बच्चे का अपने आप ही शाम को मोबाइल खुल गया और उसका मैसेज आ गया कि मैं कहाँ पर हूँ, सूरत में, सूरत में हूँ। सतगुरु भगवान की जय। शाम तक पाठ करने के बाद मेरा मैसेज आया मैं सूरत में हूँ। अब इन्होंने मुझसे गुरु जी मैं सूरत जाऊँ, सूरत में कहाँ है, सबको लेके जाए रिश्तेदारों को, वहाँ खोजे कि वो कहाँ है, किस हाल में, कैसे है, और ना निकल जाए। मैंने कहीं नहीं निकलेगा, फिर पाठ करो, कहीं मत जाओ, अपने आप घर पर आएगा। प्रभु जी कृपा हुई, वो बच्चा अपने आप घर पर आ गया। उसके बाद इनके जो पिताजी हैं थे प्रधान जी, वो कई बार अपने गांव के प्रधान रहे थे। एक सिलसिला चलता रहा तो इनके घर के ये सब लोग भी, इनके बच्चे भी हमारे पास आने लग गए, कई बार रुकने भी लग गए हमारे पास आकर। तो इनके पिताजी इनको बोलते हैं, अरे मोड़ी कहाँ छोड़े आती है, छोड़न में कौन है, छोरा महात्मा सो बन रहा है, बालक ने अभी उम्र है बालक की, मैं छोड़ जाते आश्रम में महात्मा के पास, वहाँ के पास, ऐसे बोलते थे। ये कहते गुरु जी मेरे पिताजी ऐसे सब बोलते हैं, हम चाहते घर पे बुलाना आपको, लेकिन पिताजी कभी नहीं चाहते कि घर पे बुलाया जाए आपको। मैंने चिंता मत कर, तेरे पिताजी खुद मुझे बुलाएंगे, प्रभु जी कृपा होगी वो खुद हमें बुलाएंगे। और प्रभु जी कृपा कहने चली, इनके भाई के मेरे सूरत में प्रोग्राम चल रहा था, इनके भाई के पेट में दर्द शुरू हुआ, दर्द बढ़ता गया, असहनीय होता गया। 7-8 दिन हो गए, 8 दिन तक उनको ना मोशन हुआ ना यूरिन पास हुआ। अब जब बहुत बुरा हाल हुआ तो डॉक्टर के एडमिट किया, डॉक्टर ने कहा तुरंत पेट काटना पड़ेगा, डॉक्टर देर नहीं करते हैं, तो उनको कोई इलाज भी नहीं है बेचारों पर, साइंस में कोई थोड़ी अंदर की दृष्टि वाला है, कोई देख लेगा क्या बीमारी है। तो उनने डॉक्टर इसका पेट काटना पड़ेगा, इन्होंने सुविधा को फ़ोन किया, तो सुविधा बोली कमलेश एक काम करो, ऑपरेशन तो करा लो, सीरियस है मामला, फिर मैं बाद में दवाई शुरू करूँगी। मेरा सूरत में प्रोग्राम चल रहा था, इनका मेरे पास फ़ोन आया, तो गुरुजी बाद कर दिया, मैंने कहा बाद में कंसल्टेशन चल रहा है, बाद में बात करना, मैंने फ़ोन काट दिया। अब ये कभी इसको फोन, कभी उसको फोन, सबको झपको फोन करने लगी बार बार, तो मुझे भी उठना पड़ा। मैं बालकोनी में गया, बोलो कमलेश क्या बात है, गुरुजी इस तरह की बात है, भाई भैया का सुबह ऑपरेशन होना है, तो आप आशीर्वाद दे दो। अरे मैंने कहा दवाई दे दो, सुविधा क्या है, वो कटवा रही है पेट, क्यों ऑपरेशन करा दिए, दवाई दे दो। बोली सुविधा से बात हो गई है, तो क्या कह रही है, वो कह रही है पहले जो है मैं तो कह रहा हूँ मैं दवा बाद में दे दूंगी। मैं नहीं कोई बात है तो फिर बात करो दोबारा, मैंने फ़ोन काट दिया। अब देखो प्रभु की लीला, मैंने कहा सुविधा से बात करो, या सुविधा से मेरी बात हुई या दोबारा इनकी बात हुई, सुविधा खुद ही इनको फ़ोन करती है, कमलेश एक काम करो जल्दी दवाई लिखो होम्योपैथिक की, और वो दवाई लेके आओ और उसकी 10 बूंद तुरंत अपने भाई को पिला दो। दवाई कितने की आई थी, 90 रुपये की दवाई का लाख 2 लाख खर्च होने जा रहे थे, का 90 रुपये की दवाई। मैंने दवाई तुरंत इनने कहा सुविधा से पा दी, दवाई तुरंत लाए हूँ पहले के स्टोर से, और उसको 10 बूंद पिलाई अपने भाई को, 10 बूंद पीते ही उसका पेट साफ हो गया। भगवान की जय। थोड़ी देर बाद यूरिन पास हो गया, और जो उसके पथरी थी, देखो प्रभु जी के पास है, वो भी चूर चूर होकर यूरिन के रास्ते बाहर हो गई। अब इनके पिताजी ने कहा लाली वो तेरे गुरुजी कौन से, उनको बुला ला, उनको गांव में लेके आ। अब इनने हमें गांव में बुलाया, हम गांव में गए, बड़ा लंबी चगड़ी ऐसी मूछें उनकी ठाकुरों जैसी, बड़ी बड़ी आंखें, खूब सत्कार किया, खूब बहुत पूरे कई लोग मेरे साथ थे, सबके लिए पूड़ी खीर सब्जी 5-5 तरह की, और हलवे वलवे कई चीज़ें बनवाई। और हमारा तो अलग बहुत शुद्धि से अलग अंदर बना था हमारा, तो बाकी सबका बाहर भंडारा था। तो उसके बाद
जब भोजन करने लग गए, भोजन के बाद चलने लग गए, उन्होंने इतनी मोटी दक्षिणा दी प्रधान जी ने मुझे गुरु जी, और रोए, आंखों से आंसू आए, गिनने लग गए। बोले गुरु जी आपने मेरा बच्चा बचा लिया। आगे हमने भी बचाया, बचाने वाले हमारे श्री प्रभु जी हैं, श्री गुरु जी हैं, माता जी हैं, हमें तो खाली उनने काम करवाया है, जो करवाया है करने वाले वही है सब। बोले बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई, और उन्हें लग गए। अब मैंने कहा हमसे एक वचन तुम भी हमें दे दो आज। बोले जी बोलो, जो कहोगे वो दूंगा। मैंने कहा थोड़ा सा उनको क्या है ना, प्रधान जी को समझ गए। मैंने कहा दक्षिणा में हमें तो आज ये दे दो, बस बोलो आज से नहीं पियेंगे। तो प्रधान जी कहा ठीक है गुरु जी, बिल्कुल नहीं छूंगा, कह के चले आए हमें। अब हम वहाँ से आ गए, अब संस्कार तो आता ही है, कब से पी रहे थे, असर तो बॉडी पे हुआ ही था। क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उनको हुआ कैंसर। जब कैंसर हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सब कुछ हो गया, बायोप्सी वगैरह हो गई और पूरी तरह हो गया, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया, गुरु जी हम घर के रिश्तेदार लोग 15-20 लोग आपके पास लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल मत लाना मेरे पास उनको। अब बारह महीने मुँह से निकल गया, निकलना नहीं चाहिए था, यानी कैसे निकल गया। बिल्कुल मत लाना, घर में ही रहकर सब बैठ के प्रभु जी का पाठ सुनाओ, जय प्रभु जी सुनाओ। अब ये लोग घबरा गए, इनने कहा गुरु जी ने कहा मत लाना, इसका मतलब मामला सीरियस है। अब ये बोली गुरु जी एक बात बता दो कि मेरे पिताजी को तकलीफ तो नहीं होगी ज़्यादा, जहाँ तकलीफ तो नहीं होगी ना, वो कहीं उनके वो तो नहीं लगेगी, क्या बोलते हैं वो कीमो वगैरह तो नहीं लगेगी। मैंने कुछ नहीं लगेगी, कुछ दिन में तेरे पिताजी प्रभु जी के चरणों में पहुँच जाएंगे। और देख इनने कभी प्रभु जी को याद नहीं किया, भजन नहीं किया, कैसे तुम्हारे कारण प्रभु जी की उन पर कृपा भी होती जा रही है। हुआ क्या, लेकिन उनके दर्द बहुत हुआ और कीमो में कुछ नहीं कराया उन्होंने, एक दिन दर्द हुआ बस, हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको और वहाँ एडमिट कर दिया। तो कैसे देखो प्रभु जी की कृपा होती है, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में और उनका बच्चा ये बैठा यहाँ पर, एक नाती ये बैठा कुलदीप, इसको विवेक ने पटना से फ़ोन किया, मेरा लाइसेंस रिन्यू होना था, मैं ध्यान में बैठा हुआ था। विवेक ने कहा नहीं कैसे, किसी मंत्री के द्वारा था गुरु जी, आपको केवल कार पर बैठ के साइन करने जाना है बस, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, आप चले जाओ। तो कुलदीप नीचे खड़ा हुआ, आप चले जाओ। मैंने कहा मैं अभी जाऊँगा, अभी ध्यान से उठाऊँ अभी नहीं जाऊँगा। नहीं गुरु जी आप चले जाओ, एक बार चले जाओ, हाथ जोड़ के विनती है, विवेक बोला। मैं गया के साथ चला गया, तो बाकी पे ऐसे ढंग से सब काम हुआ पता ही नहीं चला। जो एजेंट भी था ना, इनने किया हुआ था एमएलए के द्वारा किसी का, वो कहता है जी हम तो इनसे पैसा नहीं देंगे। सारा काम करके चलने लग गया जब मैं, तो बोला गुरु जी मेरे को तू कहाँ जाएगा, मैं अस्पताल जाऊँगा बाबा के पास। तो मैंने कहा यार आज नानी को तेरे बाबा का चेहरा मेरे सामने आ रहा है, और तगड़ी तगड़ी मूछें आँखें, क्या मैं चिंता मत कर तेरे बाबा का, अब प्रभु जी के चरणों में चिंतन हो रहा है, प्रभु जी के चरणों में ही जाएंगे, प्रभु जी कृपा होगी। इधर मैं ये बात कर रहा हूँ, उधर उसके बाबा रसड़ी छोड़ दी, ऐसी कृपा। अभी हम लोग आगरा में थे, हरेंद्र मेरे पास था उस समय, हमारा सूरत का प्रोग्राम था, कहाँ का था, सूरत का प्रोग्राम था। तो हरिंदर के परिवार ने, वो उसकी बहन बेटी है चमन, इन लोगों ने सब ने आके दीक्षा ली मुझसे दिल्ली में। इनके बड़ा लंबा चौड़ा खानदान है, जमींदार लोग हैं ससुराल वाले, किराया भी काफ़ी 2 लाख महीना आता है। तो इन सब ने दीक्षा ली, इनकी दुरानी ने ली, दुरानी की बहन ने ली, एक पूजा नाम था उसका, वो दीक्षा ले गई। और दीक्षा के बाद अब उसका ससुर जो था पूजा का, वो कुछ ऊपरी हवा से उससे ग्रसित था और बहुत परेशान था। उसको 8 साल हो गए थे, ना तो उसको नींद आती थी ना कुछ खा पाता था, अगर रोटी खाता था उसमें उसको लेटिन जैसी बदबू आती थी, कुछ नहीं खा पा रहा था। और हर समय ऐसे करता था आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, रात को अपना प्रचार। तो उसको उन्होंने कई जगह दिखाया हुआ उन लोगों ने कहीं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कई तांत्रिक घर पर भी बुलाए, उनने पूजा पाठ किया, एक आध दिन ठीक हुआ, फिर दोबारा वैसे ही हो गया। तो वो पूजा जो मुझसे दीक्षा ले गई थी, अब वो क्या करे, मुझे फ़ोन करे, गुरुजी ये बता दो कि ससुर को मेरे को ठीक हो जाएगा ना, ठीक क्या हुआ है। अरे मैंने कहा मैं कोई वो थोड़ा ही हूँ तांत्रिक मानसिक भविष्यवाणी करने वाला। मैंने कहा प्रभु जी को पाठ करो, चिंता करो, हो जाएगी कृपा, हो जाएगी उनकी। अब वो
फिर मुझे फोन करे तो मैंने उसका फोन क्या किया, नाम सेव कर लिया और मैं नंबर देखो फोन काट दू उसका। वो भी बहुत चालू शिष्य नई ऐसी, अब वो नए नए नंबर से फोन करने लग गई, कभी इससे कभी उससे ऐसे। गुरु जी मैं पूजा बोल रही बता दो गुरु जी ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। अब मैंने फिर अच्छी दीक्षा दी इसको मन में सोचा, फिर मैंने चमन को फोन किया, चमन वो तुम्हारी बहन है ना, वो इंद्रानी की बहन, वो ऐसे फोन कर समझा उसको, बार बार फोन ना करे, मुझे और भी काम होते हैं। तो इनने उसका उससे बात करी, सारी बात के बाद ये बोली मुझसे, गुरु जी एक बार उससे आप वीडियो कॉल कर लो ससुर से, उसके से बहुत परेशान है बेचारे, सारा घर परेशान है, एक बार वीडियो कॉल कर लो, उन्हें इच्छा व्यक्त करी है। मैंने वीडियो कॉल किया, जैसे वो बताए थे ना कि किस्सा भूमिका परसों, वो इसका जिन लड़की मुसलमान लड़की आती थी उसके ऊपर बताया था ना, खाली वीडियो कॉल किया था मैंने बस। और उसने कहा बेटा प्रभु जी बोल, है ना, और वीडियो कॉल करने थी वो लड़की भी दोबारा उस पर नहीं आई। तो ऐसे ही वो मैंने वीडियो कॉल किया उसको, चार लोगों ने पढ़ के ऐसे बिठाया, मैंने देखा एकदम ही कोई ऐसा डरावना चेहरा हो रहा है, सूख के काला हो रहा है एकदम। मैंने बैठ के मैंने क्या नाम है तेरा, पूरा सुभाष। मैंने कहा अच्छा क्या बात है, ऐसे कर रहा बात कर रहा है, ऐसे कर रहा आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है। और मैंने कहा नींद नहीं आती है, रोटी वोटी नहीं कुछ नहीं खा पा रहा। मैंने कहा अच्छा हम जो कहेंगे बोलेगा, बोले हाँ। मैंने कहा बोल प्रभु जी प्रभु जी, बोल प्रभु जी प्रभु जी। वो कहता है प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, और धीरे धीरे अपने आप उठ के सीधा बैठ गया। अब तो मुझे लोग सारे बोले, इनके रिश्तेदार वगैरह थे, हम तो इसको आपके लेके पास कर आ रहे हैं आगरा। मैंने कहा भैया कल इतने सारे, हमें सूरत भी जाना है, अभी मत आना। मैंने कहा एक महीने बाद आऊँगा तब लौट के आना, तब प्रभु जी गुरुवाओ। वो तो बोले ना हम तो आ रहे हैं 15-20 लोग, और हम आपके पास पहुँच जाएंगे दिन बैठ कर। अब वो सारे दो गाड़ियों में उसको लेकर के, मैंने कहा तुम आगरा मत आना, है ना, वहाँ भीड़ लगेगी, सवाई धाम पहुँच जाओ। तो वो उसको लेके सवाई धाम में आ गए। आ गए तो मैं पहुँचा 8 बजे, वहाँ पे हमने माता जी के कमरे की सफाई वफाई करवाई। उसके बाद हमारे आश्रम में घंटी बज गई आरती को, कि मैं दीक्षा कर दूँ, सारे गले पड़ जाए मेरे में, दीक्षा बाद में देंगे। अब क्या हुआ, हम चले गए सूरत में, हम पहुँच गए। 2 दिन बाद हरिंदर के पास फोन आया कि बड़ी कृपा हो गई, जब से वो गुरु जी ने उसको सेब का प्रसाद दिया और जल मिलाया आरती का, तब से वो ने घर जाए। और खाट पे ही था, उठ नहीं पा रहा था, तो उसकी बहन है, उसका नाम निशा है, वो मुझसे बोली गुरु जी मेरे भाई को एक बार घर पे आकर देख लो, घर पे आकर देख लो। तो मैंने कहा अच्छा मैं जब आऊँगा ना। Oh, baby.
सकता है। पाप कटरिया शीश धरी कैसे प्रभु जी आऊं मैं। पाप कटरिया शीश धरी अपने अवगुण देख देख कर एक जगह पास में हमारे कुछ गुरु भाई हैं, उनके घर में भी जाते हैं।
अब तो मनमोहन त्रिखा जी भी आए थे, वो भी योग पे बहुत अच्छा बोले, उनको काफी भीड़ हो गई थी बम्बई में, काफी लोग इनके रिश्तेदार लोग और भी गुरु भाई बहन सब इकट्ठे होकर आ गए थे। अरे प्रभु जी क्या कृपा होती, कैसे खुशबू फैला देते हैं अपनी देश की, सब लोग क्या आ जाते हैं। आए तो पहले रुद्रदेव के ऑफिस में ले गए, इनके ऑफिस में कहा पहले चार आदमी थे, उन्होंने पूरे ऑफिस में घुमाया। अब इनके ऑफिस में प्रभु जी के पास पहली बार में गया तो 250 हो गए, दूसरी बार गया तो इनके यहाँ 500 आदमी हो गए, और की बार मुझे अक्की के बेटे की इच्छा थी गुरु जी आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी जब गाड़ी आ जाए वर्ष की गुरु जी को, मैं उसमें सबसे पहले बैठा के बम्बई में जहाँ भी जाए मैं लेके जाऊँ, इनकी बेटे की इच्छा थी शुरू होती। अब 15 दिन बाद उसकी गाड़ी आनी थी, उसकी इच्छा क्या थी मेरी गाड़ी गुरु जी के आने का है। प्रभु जी की ऐसी कृपा हो गई, खुद उन शोरूम वालों ने जब मैं पता उससे मैंने गाड़ी लिया खड़ी कर दी उसकी, तो मस्जिद में सारे में घुमाया हो गया, फिर अपने ऑफिस में ले गया। तो गुरु जी मुझे 100 IT बच्चे और चाहिए यहाँ पे ऑफिस में काम करने के लिए, तो हो नहीं पा रहा अभी आ रही है, तो ये तो बता दिया अभी आके मुझे गुरु जी कमाल हो गया, आप वहाँ से आए हो और 100 IIT बच्चे उसके ऑफिस में आ गए अपने आप का साथ से, ना एक कम ना एक ज्यादा, ऐसे गुरु जी की कृपा होती है। इसलिए बस क्या करना है, श्रद्धा है ना, बुद्धि को मत लगाना, समझ रहे हो, श्रद्धा भाव समर्पण घोले बन जाओ। क्या कहा वो तुलसीदास जी ने, मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, गुरु के पास से मिलन अगुराई। गुरुदेव के सामने क्या, मन क्रम वचन छोड़ चतुराई मत दिखाना, बुद्धि मत दिखाना, निर्मल मन से भोले मन से बावले मन के सीधे सुन के बैठ जाना, अपने आप को तुम्हारे सब काम कर देंगे। वो सब तब देख रहे हैं प्रभु जी की निगाह, प्रभु जी की दृष्टि, गुरु जी की दृष्टि सारे में है, कौन कहाँ क्या कर रहा है कुछ छुपा नहीं है उनसे, है ना। एक साधारण आदमी की ये बात कही है, किसी के चलने से बोलने से उसकी आंखों से आहार व्यवहार से ये ज्ञात हो जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, भाग क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, तो ज्ञान हो जाता है। योगी की तो बाकी छोड़ दो, अगर साधारण योगी इसका मन एकाग्र सब कुछ जान लिया जाता है वो तो महायोगी है। इसलिए क्या कहा है, मन बल मतन छोड़ चतुराई गुरु के पास है निर्मल मंडन सोए हुए भावा मुए छल कपट सुधरा। और चलो आरती करते हैं प्रभु जी की, चल सब कुछ ही जाएंगे, लेकिन अब वो मत करना क्या, वो बहुत खिला दिया सबको, है ना, कुछ चमके खिला दिया है, कल भी कार्यक्रम होगा, कल गुरु गीता के पेज होने होंगे सारे होंगे, 10 बजे 10 बजे।